सुन ओ तू पगली आज रोया हूं मैं कल रोऊंगा नहीं। सुन ओ तू पगली भूल जाऊंगा तुझे कल रोऊंगा नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के पाली गांव में और पाली गांव से एक बार फिर से गुजर समाज के का जो एक युवा है वो बॉलीवुड में और यानी कि उनका जो एक गाना है वो आया है सुन पगली के नाम से और जी म्यूज़िक पर 10 तारीख को ये रिलीज़ हो चुका है। इस वक्त राजेश भड़ाना है जिन्होंने इस गाने को गाया है और इस गाने में क्या क्या खासियत है हम जानने जाएंगे। राजेश जी आज आपको जो है पाली गांव में तमाम युवा आए हुए हैं और उनके द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है, आपका हौसला बढ़ाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे पास तो कोई कहने के लिए शब्द भी नहीं है, इतना प्यार दिया इन लोगों ने। 10 तारीख जब गाना रिलीज़ हुआ था तब से और आज तक और आगे भी मुझे इन लोगों का प्यार मिलता रहेगा। मुझे आशा है कि मैं इनके लिए जैसे ये मेरे लिए खड़े हैं मैं हमेशा इनके लिए ऐसे ही रहूं, मुझे भगवान सलामत रखे ऐसे। राजीव जी, अक्सर देखा जाता है जैसे पाली गांव है यहाँ पर सारा गुजर समाज रहता है और यहाँ पर मेहनत करते हैं, खेती करते हैं तरह तरह के, लेकिन आप इस फील्ड में कैसे चले गए अचानक? मेरे फादर है जो वो होली गाते हैं तो उनकी प्रेरणा से ही मुझे ये आगे बढ़ने का मौका मिला। उन्होंने ये जो सुन पगली सॉन्ग है ये कितने टाइम में बना और इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? गाना तो 5 साल से बना हुआ था लेकिन काफ़ी कंपनीज में जाके हर चीज़ें कोई कुछ कहते हैं लेकिन फिर जी म्यूज़िक ने इसे एक्सेप्ट किया और फिर अपने चैनल से रिलीज़ किया। अच्छा, बात करें इसमें कलाकार कौन कौन है? रोमन खान है, हीमा बवेजा है और अपना ये मैं हूँ मिराज और राजेश भड़ाना जिसने लिरिक्स लिखा है, आर्टिस्ट तो यही लोग हैं। तो जैसे कि बात करें गाने के लिखने की तो आपने कितने समय में इसको पूरा किया लिखने के लिए? मैंने इसे 2 दिन में ही लिख दिया था गाने को। 2 दिन में? तो अब बात करें जैसे अभी हाल ही में जो हसल 2 आया था, MC Square भी आए थे, वो भी गुजर समुदाय से आगे जो है संबंधित हैं और काफ़ी अच्छा उनका चल रहा है अभी भी, तो आगे क्या लगता है आपका कोलैब हो पाएगा ऐसा कुछ है? देखो वो मेरे भाई है और कोलैब तो सोचने का क्या कि वो मेरे साथ ही है और मेरे हमेशा साथ ही रहेंगे और एक साथ कभी मिलना होगा और एक साथ हम काम भी करेंगे। गांव में जिस तरह से सभी युवा और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है आगे और कितना उत्साह मिलेगा आगे? उत्साह तो अभी तो ये बढ़ता ही जाएगा और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये हमारा जो गुजर समाज है और जैसे भाई ने बोला जाट और यादव राजपूत, ये हमारे ऐसी कास्ट सिस्टम में जो लोगों को अपने बच्चे को बढ़ावा देते हैं और मुझे मेरे गांव से आज इतना प्यार मिला है, फिर समाज से मिलेगा, फिर देश देगा, एक दिन पूरा संसार मुझे प्यार करेगा ऐसा मैं मानता हूँ। इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दें कि सुन पगली है, तो क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही चाहूँगा कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, इस पर रील्स बनाए, इंस्टा रील और इसमें इसे फेसबुक पे शेयर करें, बस धन्यवाद। कुछ कैची लाइन आपसे सुनना चाहेंगे इस गाने की? कैची लाइन सुन ओ तू पगली आज रोया हूँ मैं अब रोऊंगा नहीं, सुन ओ तू पगली भूल जाऊंगा तुझे याद करूंगा नहीं, यही कैची लाइन है, इसी लाइन पे आप बस रील्स बनाएं। तो देखिए ये राजेश भड़ाना जी थे हमारे साथ जिन्होंने सॉन्ग गाया है सुन पगली और जी म्यूज़िक पर ये जो है 10 तारीख को ये रिलीज़ हो चुका है और आप सुन सकते हैं, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहीं हम भी आपसे अपील करेंगे कि जो नए कलाकार हैं उनको बढ़ावा दें, उनको ज़्यादा सुने क्योंकि अक्सर पुराने लोगों को तो आप सुनते आए हैं और आप देखिए कितना अच्छा पोस्टर है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो म्यूज़िक आपको सुनने को मिलेगी और लिरिक्स जैसा बताया गया है उस पर आप रील्स भी बना सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर जो पाली गाँव में इस वक्त हम हैं बुद्ध सिंह स्टेडियम में, यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है और जो तमाम यहाँ के जो युवा आए हुए हैं इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो उनको आगे सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम राजकुमार भड़ाना है। राजकुमार जी, पाली गांव का छोरा हाँ जी जो है बॉलीवुड तक पहुंच रहा है और ऊंचाइयों को छू रहा है और एक गाना जो है लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे छोरे के लिए? भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारा भाई है, छोटा भाई है, तरक्की करे और हमारा हमारे गाँव का पूरे समाज का
इससे सभी का नाम होगा, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक हमारा सबका नाम होगा। हमें तो बड़ी खुशी है और बड़े उल्लास के साथ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके लिए हमें जो भी कुछ करना हो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और इस गाने के लिए जितना भी ज़्यादा हमको प्रचार प्रसार करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से देखा जाता है सर, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ा ही मेहनत से और काम करते हैं, खेती करते हैं, दूध का काम करते हैं, लेकिन जो है एक बेटा जो है और आगे निकल कर गया है, एक बॉलीवुड तक पहुंच सकता है, और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आशीर्वाद दोगे और गाँव में? देखो जी, आशीर्वाद तो पूरी बस्ती का, हमारे सभी जितने बुजुर्ग हैं उनका सभी का है। हमें तो एक ये बहुत खुशी की बात है कि इतने छोटे कामों में से हम एक बॉलीवुड तक का सफर जो ये तय करेगा, ये इसके लिए बहुत बड़ा सफर होगा, हम तो यही कहना चाहते हैं। तो पूरा सपोर्ट रहेगा पूरे गाँव का? फुल सपोर्ट है जी, पूरा पाली गाँव की तरफ से, पूरे गुर्जर समाज की तरफ से, सबकी तरफ से फुल सपोर्ट जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। क्या कहना चाहेंगे राजेश के लिए? राजेश बहुत ही प्यारा बच्चा है और राजेश ने शुरू से ही बहुत मेहनत की है। राजेश जब छोटा सा था तो तभी से इसको म्यूजिक का शौक था और तब से ही ये गाने लगा था और मैं भी इसके साथ गाना गाता था। अब मुझे छोड़ के बहुत आगे निकल गया है, देखो ये आगे पहुँच के हमें याद करे ना करे, इसके बाद इसकी मर्जी है भाई। इससे देखिए लगातार जैसे अभी हाल ही में फरीदाबाद ही है या पलवल का रहने वाला है, लेकिन फरीदाबाद में कुछ समय पहले आया एमसी स्क्वायर, आपने सुना होगा। रैप में वो हसल शोर जीत कर आया, उसने भी हरियाणा का नाम रोशन किया। हमारे भाई का आगे कैसे रहेगा? भाई का बहुत ही बढ़िया रहेगा, एमसी स्क्वायर भी भाई बहुत बढ़िया आगे निकल गया और भाई के साथ ही, एमसी स्क्वायर के साथ ही जाने वाला है भाई, और मैं तो चाहता हूँ वो भी बहुत आगे निकल जाए और ये भी बहुत आगे निकल जाए। जी, मैं मिंटू बढ़ाना, गांव पाली, फरीदाबाद, हरियाणा से आज हम इकट्ठे हुए हैं, सभी ग्रामवासी, सभी युवा, पूरे जोश और पूरे उसके साथ ये आपको पोस्टर दिखा रहे हैं हम, सुन पगली, जिसको कि 10 तारीख को लॉन्च हो चुका है। और भाई के प्रमोशन के लिए अगर मैं समाज की बात करूं तो हमारा गुर्जर समाज अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है, आप सभी देख भी रहे होंगे मीडिया के थ्रू। अभी हसल टू पे अपने एमसी स्क्वायर जी आए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे गाने दिए हैं, और इसी तरह से अपना मीडिया पे अगर देखेंगे राजा गुर्जर भाई बहुत अच्छे से चले हुए हैं। इसी एक कड़ी में आज नाम जुड़ने जा रहा है भाई राजेश भड़ाना का, जो कि हमारे छोटे और बहुत ही प्यारे भाई है, सभी बुजुर्गों के सम्मान से और इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, बाबा मोहन राम की कृपा है हमारे गांव पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सिर्फ इस वीडियो को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 36 बिरादरी से कि इसे आप बहुत ऊपर लेकर जाए, खासकर हमारा गुर्जर समाज, जाट भाई, अपना यादव समाज, सैनी भाई, 36 बिरादरी, इस बच्चे को प्यार दीजिए ताकि ये भी बॉलीवुड में तहलका मचा सके। इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मोहित बढ़ाना, गांव पाली जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि गांव हमारा है, ठीक है, NCR में, फरीदाबाद में है, तो जितनी अपने लोकल है, क्योंकि गांव से जब कोई बच्चा निकलता है तो उसकी सपोर्ट करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे हमने एमसी स्क्वायर को सपोर्ट करा था, वो भी अपने बैसलात गांव से था, तो ऐसी ही जितनी भी अपनी 36 बिरादरी है, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि गरीब जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा आप सपोर्ट मिलता है तो ऊपर तक पहुँच जाते हैं, जैसे मुंबई, हॉलीवुड, ये जो बॉलीवुड है अपना, यहाँ जहाँ गाने का आपको एक मौका मिलता है। भाई अब गए हैं जी म्यूजिक से, भाई को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो भाई प्लीज़, क्योंकि इनमें से आप भी एक हो सकते हो, कभी आएगा टाइम आएगा तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे पूरा पूरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई को ये गाने को शेयर करें। 36 बिरादरी से अपील करता हूँ, रील ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, गाने को आप अगर सर्च करोगे सुन पगली मिराज से आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो यही मैं अपने दर्शकों से अपील करता हूँ, तो भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें, थैंक यू। नमस्कार, मैं संजीव सावरिया फरीदाबाद से। आज बड़ी खुशी का विषय है कि फरीदाबाद से एक कलाकार और एक ने जन्म लिया है, बहुत ही सुंदर गायकी है हमारे राज बड़ाना की, जो कि पाली गांव से है, उनका जो गाना जी म्यूजिक पे आया सुन पगली, इस पर हम लोग को बुलाया गया, बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारा फरीदाबाद का पाली का साथी एक बहुत आगे बढ़ाया गायकी के रूप में। कुशवाहा जी, जिस तरह से देखा जाता है कि गुर्जर समुदाय से अक्सर मेहनतकश होते हैं लेकिन कला में कई बार नहीं रहते, लेकिन अब जो कला आगे निकल कर आ रही है, जैसे एमसी स्क्वायर हो गया, राजेश भड़ाना जी हो गए, इनको आगे और उत्साह मिले और भी युवा इनको देखकर प्रेरित हों, क्या कहना चाहिए? अब पूरा देश, सब समाज बराबर हो चुका है, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और बहुत सारी यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से
हर बिरादरी में एक नए नए कलाकार पैदा हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे राज भड़ाना को पूरा मौका मिले, आगे पूरे देश में इनकी उपलब्धि हो, पूरे देश में छाए। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।